शूट में कोई भी पोज वाला था नहीं, ये सारे का सारा गेम एक्सप्रेशंस का है। हाँ। एक कैरेक्टर को फील करने का है, कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस लेने। वो कुत्ते आ गए हैं, इनका ही सामान मुझे लग रहा है, इनको खुशबू आ रही है अपने सामान की। ये शर्ट जो डाली हुई है इनमें से खुशबू आ रही है कुत्तों को। जल्दी भाई जल्दी वापस कर दो उसको, अंदर जाए, अंदर हमारा सामान है। पता नहीं था कुछ और करने आए थे लेकिन करा कुछ और, और फोटोज इतनी ज्यादा कमाल की आई है, बहुत ही ज्यादा। आपको कैसी लगी फोटोज? एक्सट्रीमली गुड। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ऑटोमेटिक लोगो बनाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, तो विजिट करें designevo.com। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज हैं, या आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कैमरा, फोटोग्राफी, उसके रिलेटेड लोगोज आ जाएंगे, एंड जो भी बढ़िया लगे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं एंड फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री वाली ऑप्शन भी है एंड पेड प्लान भी हैं। अधिक जानकारी के लिए चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वैसे गंदी सी लोकेशन लग रही है ना आपको, घर गंदा सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सही चीज अंदर, आपको दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट भी हमारा यहीं पर ही बना सारा, और देखते हैं क्या क्रिएटिविटी निकलती हमारी। बड़ी मेहनत लगी है सब चीज। तो ऋषि ने मुझे ना कुछ फोटोज दिखाई थी, क्या नाम था उसका जो बंदा ऐसा खून सा लगा हुआ था? नाम तो मुझे भी स्पेशली याद नहीं है, कुछ शेख टायर करके नाम था, पता नहीं क्या। इंस्टाग्राम पे मुझे स्क्रॉलिंग करते हुए वो बंदा मुझे मिला। मैंने भी सोचा भी ऐसा कुछ रियल वाली चीज करते हैं। तो अंदर हम जैसे अंदर गए तो अंदर ना कपड़े वगैरह गिरे हुए थे किसी के, कोई रहता होगा शायद, पता। तो बस वहीं से दिमाग में आया भी कुछ करते हैं, यहीं पर नए कपड़े डालकर नया सब कुछ करते हैं। नया कपड़े नहीं, पुराने कपड़े डाल के। पुराने कपड़े डाल के जॉन प्रेस की शर्ट भी थी। ये डल सकती है मुझे लग रहा है। डालो डालो डालो। आप शर्ट की हालत देख रहे हैं, दिस इज लाइक जॉन प्लेट्स की है। जॉन प्लेट्स। और इसमें जॉन प्लेट्स में खास बात यह है कि एक बाजू आपको पूरी मिलेगी और दूसरी बाजू आपको आधी मिलेगी। यार ये बहुत सही फील आएगा ना, आपकी एक बाजू यहाँ पर गिरी हुई है, आधी बाजू वहाँ पड़ी हुई है, आधी बाजू वहाँ पड़ी हुई है, पर ठीक था, अच्छा था। ये आपको कहीं शॉप पे नहीं मिलेंगे ऐसे कपड़े जो स्टाइलिश वगैरह होते हैं। ये नेचुरल फील डालते हैं, रियल चीज रियल ही रहती है। सही बात है। पहले तो ऋषि ने वो शर्ट डाल ली थी एंड फिर मैंने बोला कि ना बोरी पड़ी हुई थी, मैंने कहा बोरी भी डाल लो ऊपर से जैकेट की तरह। ऋषि को लगा मैं कह रहा हूँ शर्ट निकाल दो बोरी नहीं, 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 ये तो डाली रखो, इसके ऊपर एक साइड से बोरी डाल लो। ठीक है, और फिर साइड पे लाइट आ रही थी, ऋषि कहता लाइट आ रही है साइड पे, यहाँ पर करते हैं। वहाँ पर ना एक सोटी पड़ी हुई थी, स्टिक पड़ी हुई थी, तो मैंने ऋषि को बोला भाई ऐसे करके ना कुछ चिल्लाने वाला एक्सप्रेशन होता है, सोटी को नीचे मारते हैं, मतलब ऊपर देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं जैसे बंदा बहुत ही गुस्से में है। इस शूट में कोई भी पोज वाला था नहीं, ये सारे का सारा गेम एक्सप्रेशंस का है। हाँ। एक कैरेक्टर को फील करने का है, कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस देने। देखो जरा आगे से रही है, फनी बनी तो नहीं आ रही? डाउट भी था ना कि मतलब कुछ फनी ना हो जाए, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे एक मतलब इन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा लगे कि मतलब चिल्ला रहे हो कोई, मतलब कुछ अपना जितना भी एक एक्सप्रेशन निकालना है चिल्लाने वाला, तो आप एक चिल्लाने वाला निकालते हो, एक फनी टाइप का भी निकल जाता, तो मुझे ये भी था कि यार ये क्या बंदा है, क्या मतलब चिल्लाने एंड फिर ना वहाँ पर ना नीचे घास फूसा पड़ा होता है, हमने काफ़ी ऐसे सोचा कि ऊपर को फेंकते हैं एंड वो पार्टिकल्स नीचे नीचे आएंगे, पर वो जुड़े हुए थे ना पार्टिकल्स। कभी कभी जो सोचते हैं वो वैसा आता नहीं है और जो नहीं सोचते हैं वो आ जाते हैं, ऐसे पिक्चर आ जाता है। तो घास के ना वो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और जो नीचे गिरे तो एक साथ ही गिर रहा था सारा, तो फोटोज इतनी सही नहीं आई। एंड फिर ना वहाँ पर गए साइड में ना खिड़की लगी हुई है, आप पीछे भी देख सकते हैं, यही वाली खिड़की हो, यही खिड़की थी जहाँ से ना साइड से लाइट आ रही थी, और मैंने ना ऋषि को बोला मतलब ऐसे कुछ मतलब कुछ चिल्लाने वाली चीज़ ना, दोनों हाथ ऐसे करके, पर पता नहीं ऋषि ने उस टाइम करा नहीं, वो और ही अपने पोज करने लगे जैसे स्टाइल मारने वाला, या थोड़ा सा ऐसे हाथ करके खिड़की की तरफ, क्योंकि पोजेस जहाँ पे आते हैं वहाँ पे आपको ये 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 ऐसे सब हाँ, आते हैं। ये ऋषि करता था काफ़ी बार ऐसा करके ना, तो वो भी बढ़िया आ गया फोटो। तो फिर मैंने ऋषि को दोबारा से बोला वो चीज़ कर, तो फिर भाई ये तो मेरी फेवरेट फोटो थी, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही सही लगी मुझे ये वाली फोटो। एंड गाइस फिर ना वहाँ पर जो कुत्ते पानी पीते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो वो पड़े हुए थे। हाँ, तो हमने उनकी ना कुछ सेटिंग्स वगैरह की, अलग अलग जगह पर रख के भी फ्रेम देखे कि कहाँ पर बढ़िया फ्रेम आ रहा है, ज़्यादा बढ़िया फ्रेम कैसा लग रहा है, वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, जैसे ऋषि ने ऐसे पकड़ के पानी पीने वाली चीज़ करी,
ऐसे ऐसा कुछ कर रहा था जो आपने बताया था कॉन्सेप्ट की, लाइक कि आपका कोई पानी छीन रहा है या फिर मतलब कुछ कोई कोई आ गया साइड से, कोई साइड से उसकी तरफ आप ऐसे करके कर रहे हो भी मैं पानी नहीं दूंगा, ये पानी मेरा है, मतलब वो चीज ट्राई करी हमने तो बहुत ही बढ़िया फोटो आई है वो भी। फिर इसके बाद जो बाहर वाली ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, आपको दिख नहीं रही होंगी फ्रेम में, अलग से दिखा लेंगे। तो फिर ऋषि आगे सीढ़ियों के ऊपर बैठ गया एंड वहाँ पर भी थोड़े उदास से चेहरे वाले, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वैसा था तो उदास से चेहरे वाले एक्सप्रेशन दिए। तो यहाँ पर बहुत ही गजब फोटो आ रही है, अभी एक ही क्लिक करी मैंने, बहुत ही सही लग रही है, अभी और क्लिक करते हैं। फिर वहां पर भी वो कुत्ते का पानी पीने वाला बर्तन पड़ा होता, वो भी ऋषि ने हाथ में लिया, उसके साथ कुछ पोज करे। तो ये और जो फोटोज की टोन आई थी ना, बहुत ही बढ़िया टोन थी, पहली ओरिजिनल वाली फोटोज की टोन ही बहुत ही बढ़िया थी, एडिटिंग करने के बाद तो और भी बढ़िया हो जाती है। फिर हमने कहा भी यार एक ट्राई जरूर करें कि बाद में ऐसा डाउट ना हो, भी बाहर नहीं करने गए तो सड़क के ऊपर करने गए थे, बाद में रिग्रेट ना हो कि रोड पे भी खिंचवी लेनी चाहिए थी। हाँ, तो इसलिए अब हम रोड के ऊपर जा रहे हैं फोटो क्लिक करने। भाई की हिम्मत है, हालत देख रहे हो आप? कोई नहीं यार, यही स्ट्रगल है। यहीं पर आके कॉन्सेप्ट बनाया, यहीं पर आके कॉस्ट्यूम डाले गए, ऋषि वाले बाल बांध कर आए तो बाल भी खोले और पसीना भी जो है ना वो असली वाला है, जो पानी का पसीना असली है, सब पसीना असली है, ऐसा लग रहा है जैसे बालों में पानी डाला हुआ है ना, तो वो बहुत असली पसीना है, गर्मी के अंदर कर रहे थे। हाँ, पसीने सच्ची वाले ही है, कहाँ आपके सामने ही है, पानी डाल रहा है, कहाँ है पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, पानी कहाँ से डालूंगा मैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आपने जो कमेंट्स में जरूर बताएं यार, एंड अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कुत्ते आ गए यार उनका, हमारा शूट बहुत ही बढ़िया डन हुआ, आपने भी फोटोज को चेक कर लिया होगा। एंड ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना ना भूलें। हाँ, शेयर नहीं करते यार आप लोग, यार वीडियो बढ़िया लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत स्मेल वाली शर्ट पहनी थी यार, इसलिए शेयर करना बनता है उसको। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मैं तुरंत नहाया हूँ घर पे जाके, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी शर्ट से, पर चलो कोई बात नहीं। वो कुत्ते आ गए हैं उनका ही इनका ही सामान, मुझे लग रहा है इनको खुशबू आ रही है अपने सामान की, ये शर्ट जो डाली हुई है इनमें से खुशबू आ रही है ना कुत्तों को, जल्दी भाई जल्दी वापस कर दो उसको। नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना, बाहर से अंदर जाए, अंदर हमारा सामान है वही और भी सामान।